पार्टी की है, पी एम एल एन की है, पी टी आई की है, जिस भी है वो मेरे सूबे की है। अभी हम इस्लामाबाद हैं और आज हम बेसिकली पिशावर जा रहे हैं, पिशावर गवर्नर हाउस, वहाँ पे मैक्सम नेक्सम बाय मैक्सम का एक इवेंट हो रहा है। अभी हम यहाँ पे एडी वॉटसन ब्लू एरिया हैं और यहाँ पे कोस्टर वगैरह है, या बेसिकली यहाँ ये लोग कन्वींस दे रहे हैं यहाँ से इस्लामाबाद से मल्टीपल लोकेशन से। आई थिंक एक बैरिया से चलनी है, एक यहाँ से चलनी है और इसी तरह कहीं और से भी चलेगी। तो यहाँ से सब ब्लॉगर्स को, इन्फ्लुएंसर्स को ये लोग पेशावर गवर्नर हाउस लेके जा रहे हैं और वहाँ पे एक इवेंट होने लगा है, मैक्सम बाय मैक्सम। बेसिकली ये उज़ैर एक लड़का है, आई थिंक पॉडकास्ट करता है और इस तरह की चीज़ें, तो उसका इनिशिएटिव है। तो वो अपने बिजनेस को या अपने जो मैसेज है उसको ग्रो अप करना चाह रहा है, इस वजह से वो मल्टीपल पॉलिटिशियंस और बिजनेस टाइकून्स हैं उनको बुलाते हैं और उनको उनके पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं कि क्या क्या बेहतर कर सकते हैं और इस तरह की चीज़ें वो करते हैं। बेसिकली ये लोग चाह रहे हैं कि इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू जो उनका मैसेज है वो थोड़ा सा आगे चला जाए। तो इन्फ्लुएंसर्स को वो वहाँ पे सर्टिफिकेट्स वगैरह दे रहे हैं और थोड़ा सा अप्रिशिएट कर रहे हैं ताकि वो ऐसे अच्छे काम को जारी रखें। हाँ, ताकि वो और जो कम मीडिया ना पहुंचा सके वो लोग ये इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू लोगों तक पहुंचा सके। हाँ, एग्जैक्टली। और दूसरा कुछ ना कुछ इनके अपने भी बेनिफिट्स होंगे, लेकिन खैर हम लोग एक हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है तो हम लोग ज्वाइन करते हैं। बेनिफिट की बात कर दी, इसमें हमारा क्या बेनिफिट है? हमारा बेनिफिट ये है कि एक एक्सपोजर मिलेगा। काइंड ऑफ सब इस्लामाबाद के व्लॉगर्स जा रहे हैं, कुछ शायद नहीं भी जाएंगे तो मोस्टली वहाँ पे होंगे, तो एक अच्छा इवेंट होने लगा है, एक अच्छी डिस्कशन होने लगी है बिज़नेस के बारे में, कैसे इन्फ्लुएंसर्स व्लॉगर्स सोसाइटी में इम्पेक्ट कर रहे हैं और ऐसा कि बहुत सारी डिस्कशन होने लगी है। तो इंशाल्लाह अभी यहाँ से हम निकल रहे हैं, बस सब लोग आ गए। चलो ठीक हो गया, क्योंकि दूसरी जो बसेज हैं वो लेट हैं तो हमें थोड़ा टाइम है, इस वजह से हम कुछ यहाँ पे खाते पीते। शानी क्या खाएगा? मैं? हाँ, नाश्ता आप खाओगे? तो अभी हम तकरीबन पेशावर पहुँचने लगे हैं, 20 मिनट का रास्ता रह गया और हमारे साथ कुछ व्लॉगर्स हैं, तो ये व्लॉगर्स हैं सारे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, भाई को तो जानते होंगे, ये खबरें पढ़ते हैं, मजाक। हेलो 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 हेलो, गवर्नर हाउस पेशावर। अभी हम बस से उतरने लगे हैं, गवर्नर हाउस पहुंच गए हैं और बाकी बसेस भी आ गई हैं, और बस नंबर 3, बस नंबर 1, और आई थिंक यहाँ पे कुछ बोर्ड्स वगैरह लगे हुए हैं, आई थिंक अभी लेटे हुए हैं, लेकिन मीट द टाइटन्स इन योर सिटी 17 अगस्त, गवर्नर हाउस, द टाइटन्स आर रेडी फॉर यू, आर यू रेडी? तकरीबन हमें 2 घंटे 2.5 घंटे लग गए हैं इस्लामाबाद से पेशावर, तो अभी हम बस सारे लोग आ जाएं, सारी बसेज आ जाएं, फिर उसके बाद हम अंदर जाएंगे और अंदर जो भी चीज़ें होंगी फिर उसको कवर कर लेंगे। तो अभी हम गवर्नर हाउस पहुंच गए हैं और आज की होस्ट कौन है? आई थिंक निमरा होस्ट कर रही है ना, रेड कारपेट, ये रेड कारपेट है। और कैसी हो, ठीक हो? बेसिकली हम यहाँ पे इवेंट जहाँ पे हो रहा है वहाँ से साथ ही यहाँ पे रेस्टरूम्स हैं और हम फ्रेश हो सकते हैं, रूम्स हैं, बाकी सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हाई टी चल रही है और सारे व्लॉगर्स यहाँ पे आए हुए हैं, तो अभी हम इवेंट वाली जगह पे एंटर हो गए हैं और इवेंट पे पहुँच गया। और सबसे पहले भाई हमें मिले हैं, फोटोग्राफर भाई, कैसे हैं? इवेंट आप कवर कर रहे हैं? नाइस यारा, नाइस जानी, बस मज़े में फिट। अभी हम इवेंट की जगह पे आ गए हैं और बेसिकली ये साइड पे स्क्रीन है, यहाँ पे सारे गेस्ट्स होंगे और सामने पूरी ऑडियंस होगी और बहुत ही प्यारा ऑडिटोरियम बना हुआ है और पीछे कायदे आज़म की पिक्चर। So now coming back to Nexus. Long story short, between 2014 to 2019, काफी दरमियान में records हैं, Pride of Pakistan award है, First Lady award है, Youth award है, gold medal, national gold medal है from the First Lady, from the President.
2019, I was called by FIFA to represent Pakistan in France, Europe in two Guinness World Records. So, मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया कि प्लेयर दुनिया का तवील तरीन फुटबॉल मैच. कोई गेस कर सकता है कि कितना लंबा फुटबॉल मैच होगा? अगर कोई मुझे फॉलो जो कर रहे, अगर किसी को नहीं आइडिया तो 90 मिनट्स तो नॉर्मल समझता. ऐसी फर्स्ट वर्ल्ड स्पोर्ट्स हैं कि अभी दो चीज़ें होती हैं. आई एम शेयरिंग ईच एंड एवरी डिटेल विद यू क्योंकि आई सी यू एज एम्बेसडर. जो यहाँ से जाएंगे वो विल टॉक अबाउट स्पोर्ट्स, वो विल कवर ऑल द स्पीकर्स एंड आई वॉन्ट यू टू टेक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम हेयर. क्योंकि ये ऐसी स्पोर्ट्स हैं जिनका स्पोर्ट्स ऑफिशियल्स को भी नहीं पता होता कि ये कोई कैटेगरी एग्जिस्ट करती है. दे सी इट एज रिक्रिएशन. व्हेन आई टेल देम कि इट्स अ प्रोफेशनल स्पोर्ट्स इवेंट, इट हैज़ प्रोफेशनल रेसिंग जो हम हर साल करते हैं. वी डू चैम्पियनशिप्स, वी विन मेडल्स, लेकिन हम मेरे शेडो में रहते हैं. सो लाइक अर्शद नदीम, जब तक हम कुछ ग्लोबल नहीं करेंगे, आई सी माई सेल्फ एंड मैनी अदर एथलीट्स एज साइलेंट वॉरियर्स हु आर शेडिंग देयर ब्लड एंड स्वेट डे एंड नाइट. और हम पाकिस्तान में ऐसी ऐसी, पाकिस्तान को ऐसी ऐसी जगहों पर रिप्रेजेंट करते हैं कि खुद पाकिस्तानी ऑफिशल्स को भी पता नहीं होता. नो ऑफेंस टू एनी वन. 2021 आई ऑल्सो बिकेम द फर्स्ट वन हु बाइक डाउन गॉडविन ऑस्टिन ग्लेशियर्स, विच इज़ द फुट ऑफ K2 बेस कैंप. And like Abiha, I got the opportunity to get selected in some international programs, and I am the second one to represent Pakistan in White House after you. So I'm the second one, and then after that I launched my own sports organization. It's called Summer Camp. Summer Camp teach mountain biking and snowboarding only for girls, no men, apologies. And I also then learned and introduced snowboarding all from YouTube. It took me 3 years, 3 saal lagke girte palatte zakhm lagwate ke snowboarding seekhi, phir maine ladkiyon ko sikhayi. Ab 4 se 5 ladkiyan hain, we have a very small community. Hum jaate hain north mein camps conduct karwate hain, we make sure we get more girls in future national championships and international championships. Recently I have won international snowboarding race Red Bull Home Run, and abhi ek mahina pehle takriban सेकेंड एडिशन है एंड आप लोग सब यहाँ पे मौजूद हैं. एंड मैं अपने सारे जो स्पीकिंग सेशन होते हैं उसमें एक बार जरूर कहता हूँ कि नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. अभी इंस्टाग्राम पे सबसे इजी तरीका होता है लोगों को अप्रोच करने का कि आप उनको मैसेज करते हैं, डीएम्स करते हैं. अब नंबर लेने की भी जरूरत नहीं आपको किसी की. अभी मैंने देखा एक बच्चा यहाँ पे ताली बजा रहा था, ताली बजाने वाली बात नहीं थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब ने ताली बजाना शुरू कर दी. सियासतदान हैं और नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर रहे हैं 2008 से 2013 तक. मैं दावत दूंगी आपकी भरपूर तालियों में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. तमाम दोस्तों को जहाँ से भी आए हैं उनको वेलकम. मैंने जब शाम को सोशल मीडिया देखा सारे शुरू हुए कि ये तो पीटीआई की एमपी उसकी बहन है, अपने क्यों सपोर्ट किया, किसी ने खर्चा किया. मैं क्या देखे वो खैबर पख्तूनख्वा की बच्ची है, वो चाहे पीपल्स पार्टी की है, पीएमएलएन की है, पीटीआई की है, जिस भी है, वो मेरे सूबे की है. तो ये चीज़ें मैं नहीं कहनी चाहिए कि आप किस वक्त देखिए वो अगर वो गोल्ड मेडल जीत कर आएगी, नाम बना कर आएगी, तो मेरे सूबे का नाम होगा ना कि खैबर पख्तूनख्वा से बच्ची. वो तो नहीं बोलेगी यार क्या है क्या नहीं. तो अगर एक जमात में, अगर एक किसी भी जमात में कोई अगर पॉजिटिव चीज़ कर रहा है और वो आपके लिए, आपके सूबे के लिए एक पॉजिटिव एकेडमी आप बना के दें. हम इंशाल्लाह पेशावर और अहमदाबाद से शुरू कर रहे हैं. नेक्स्ट हमारा इंशाल्लाह होगा वो मालाकंड और फिर साउथ में डेर इस्माइल खान, ताकि हम यहाँ से अपने प्लेस में. मैं भी रिसेंटली ताजिकिस्तान गया था, वहाँ पर 10 क्लब हैं, 11 मिलियन की आबादी है, 10 क्लब हैं फुटबॉल के. नवाफिल,
हैंपर्स मिले हैं गिफ्ट हैंपर्स बाय नेक्सस बाय मैक्सिम, लेकिन हमें सर्टिफिकेट्स सर्टिफिकेट्स ओके अलावा नोटपैड ओके देन वी गॉट अ मग प्रॉब्ली दिस इज अ मग ओके मग ठीक है जी इसके अलावा वी हैव पेन एज वेल ओके